Hello friends, today we are going to study Discovering Tut, The Saga Continues by A.R.williams. This is the chapter about Tutankhamun's death mystery and he was the last emperor of Egypt. So let's start Discovering Tut. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibilities. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. जब उनकी डेथ हुई तब वो एक टीनेजर थे. टीनेज हम लोग मानते हैं 13 to 19. यहाँ पर ये टुट जो है वो 19 इनकी एज थी, इसलिए इन्हें लेट टीनेज कहा गया. बॉयश तो थे, पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं थे और 19 होने की वजह से ये लेट टीन में थे. ये एक बहुत पावरफुल फैमिली के आखिरी उत्तराधिकारी थे जिसने कि सदियों तक इजिप्ट में शासन किया था, सेंचुरीज तक. और उस उनकी डेथ के बाद उनको एक गोल्ड से भरे हुए बॉक्स में रेस्ट करने के लिए रख दिया गया. लेडन का मीनिंग होता है भरा हुआ. और बॉक्स में रखने के बाद इवेंचुअली यानी धीरे धीरे सभी लोग उन्हें भूल गए. तब तक भूल गए जब तक इनके टूम को दोबारा से डिस्कवर नहीं कर लिया गया. 1922 में इनके टूम को डिस्कवर किया गया. तब मॉडर्न सोसाइटी ने ये स्पेकुलेटेड यानी कि गेस करना शुरू किया कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्योंकि जब भी किसी का मर्डर सामने होता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी सामने आती हैं कि मर्डर से पहले ये कंडीशन रही होगी या एग्जैक्टली मर्डर का रीज़न क्या रहा होगा. तो उसके लिए सबसे पहले किया जाता है सीटी स्कैन, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टुट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन. तो ना अपनी टूम यानी मकबरे को छोड़कर लगभग 80 ईयर्स के बाद पहली बार टुट को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिसने कि नए क्लूज उनकी लाइफ और डेथ के बारे में दिए और मेडिकल साइंस को, चिकित्सा शास्त्र को प्रिसाइज यानी कि ठीक और एक्यूरेट करेक्ट फोरेंसिक डेटा दिया, जिससे कि इस बॉयश फैरो के बारे में नई नई बातें पता चली और पुराने सारे मिथ टूट गए. यहाँ पर फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन्स साइंटिफिक प्रूफ्स एंड डेटा टू सॉल्व द मिस्ट्री रिलेटेड टू किंग टुट्स डेथ. एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट्स वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग. डार्क वैलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. जब किंग टुट को उनके रेस्टिंग प्लेस जो कि वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है वहाँ से ले जाया जा रहा था, तब अचानक जोरों से हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी. गहरे काले बादलों ने उस डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के आसमान को पूरे तरीके से ढक लिया था. स्कडेड अक्रॉस का मीनिंग होता है उड़ता हुआ बादल, जो कि चारों तरफ वहाँ बादल उड़ रहे थे हवा की वजह से. और सारे दिन बादल छाने के बाद जब आसमान साफ हुआ तो शाम हो चुकी थी. और यहाँ पर कास्केट ग्रे का मीनिंग होता है एशेज ग्रे, जो मतलब ग्रे है लेकिन एशेज के कलर का ग्रे है. और डार्क ग्रे कलर के आसमान पर स्टार्स जो बहुत ब्यूटीफुली ट्विंकल कर रहे थे. या कास्केट ग्रे का मीनिंग एक्जैक्टली ये दे सकते, द डार्क ग्रे कलर ऑफ द इवनिंग स्काई इन विच द स्टार्स वर ट्विंकलिंग ब्यूटीफुली स्कडेड अक्रॉस, को आप इस तरह लिख सकते हैं द डार्क क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, brought her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 5th January 2005 को शाम के 6 बजे दुनिया की सबसे फेमस मम्मी को पहली बार एक CT स्कैनर में ले जाया गया. सो दैट इज़ यंग रूलर के बारे में, जो कि 3,300 ईयर्स पहले ही जिसकी डेथ हो चुकी थी. मेडिकल मिस्ट्रीज़ जो कि अब तक बहुत डिले हो रही थी. लिंगरिंग यानी कि डिले होना, लटकाना किसी चीज़ को, प्रोब कहते हैं जांच को. तो ये जांच से ये पता चलने वाला था जो कि बहुत डिले हो रही थी जो मर्डर मिस्ट्री, वो सब कुछ क्लियर हो सके. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट
from around the world had descended का मीनिंग होता है कम यानी आना into the cramped यानी narrow rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. दोपहर से ही दुनिया भर से टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो गया था. बहुत ही नैरो और रॉक कट टूम्ब जो कि लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड थी, टूरिस्ट टूट के लिए अपनी रिस्पेक्ट आ करके वहाँ शो कर रहे थे. दे गेज्ड माने घूर घूर कर देखना बहुत गौर से एट द म्यूरल्स. म्यूरल्स कहते हैं दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी होती है, भित्ति चित्र जिसे बोलते हैं. ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड, पियर्ड कहने झांकना. एट द टूट्स ग्लाइडेड फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. तो टूरिस्ट जो थे वो लोग म्यूरल्स को बहुत गौर से देख रहे थे और कुछ लोग टूट के फेस को कॉफिन में से झांक करके देख रहे थे. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग. पॉन्डरिंग कहते हैं थिंक करना, विचार करना. टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वॉन्डरिंग वॉट अ शिवर. शिवर कहते हैं कांपने को. इफ द फैरोज कर्स डेथ और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू. कुछ लोग, कुछ विजिटर्स गाइड बुक को धीरे धीरे पढ़ रहे थे और कुछ साइलेंटली खड़े हुए थे. शायद वो लोग सोच रहे थे कि टूट की अनटाइमली डेथ के बारे में. वो लोग ये सोचकर शायद डर से कांप रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने इस फैरो को डिस्टर्ब किया है उनको भी इसका श्राप लगे यानी कि कर्स लगे, जिससे कि उनकी भी डेथ हो जाए या उनके साथ भी कुछ मिसफॉर्चून हैपन हो जाए. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, सेड ज़ही हवस द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक. ज़ही हवस जो कि इजिप्ट के एंटिक्विटीज यानी कि पुरातत्व एंशंट के सेक्रेटरी जनरल थे, एक नज़र उन्होंने जब टूट की बॉडी को झुक करके, लीन कहते हैं झुक करके देखने को, झुक करके गौर से देखा तो बोले कि मम्मी तो बहुत ही बैड कंडीशन में है. कार्टर ने 1920 में इसकी ये कंडीशन कर दी. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. फ्यूटाइल कहते हैं व्यर्थ, यूजलेस. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसने कि 1922 में बहुत सालों से टूट की मम्मी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन सारी मेहनत जब बेकार ही जा रही थी तो हॉवर्ड कार्टर ने ही टूट की मम्मी को सबसे पहले ढूंढा था. दो हैस्टिली यानी बहुत जल्दी में, हरी रैनसैक्ड कहते हैं तोड़फोड़ करने को. इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कम्प्लीट, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लेजेंड. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. हालांकि इनकी जो रिसर्च थी वो बहुत ही जल्दी पूरी हो गई थी और इसी जल्दबाजी में इन्होंने जो एंटिक्विटीज यानी कि एंशियंट मम्मी जो थी उसके साथ भी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी. ये उन्हें टूट की मम्मी के साथ रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन भी मिला था. वैसा कलेक्शन पहले कभी भी नहीं मिला था और जो टूट की मम्मी की लेजेंड का एक पार्ट बन गया था. गोल्ड आर्टिफैक्ट्स यानी कि थिंग्स ऑफ आर्ट मेड बाय हैंड्स बहुत ही स्टनिंग थे यानी कि चौंका देने वाले थे, क्योंकि उनको देखकर ये समझ में आ रहा था कि उस समय के लोग बहुत ही ब्रिलियंट थे और वो लोग रिसरेक्शन यानी कि रीबर्थ में बिलीव करते थे. उन चीज़ों को देखकर एक सेंसेशन हो रहा था उस समय भी और वो सब चीज़ों ने अब भी एक अटेंशन क्रिएट किया हुआ था. टूट को जो बट टूट वॉज ऑल्सो वरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. टूट को जब दफनाया गया तो उसके साथ डेली रूटीन की वो सारी चीज़ें थी जो कि उसे आफ्टर बर्थ यानी कि डेथ के बाद भी काम आने वाली थी, ऐसा उस समय के लोगों का बिलीव था. उन सामान जो सारे उनके साथ दफनाए गए थे उसमें था एक बोर्ड गेम यानी जैसे चेस होता है, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन के अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ऑल द थिंग्स वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड.